हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जिस वक्त दौड़ दे गए, बड़े खुश ने चाचे दे द्वारे ते पहुंचे ते दस्तक दिती। चाचा बोल के कहंदा कौन है? अर्ज की चाचा मैं तेरा भतीजा आया वा, तेरा भतीजा आया वा। चाचे ने दरवाजा खोलिया, कह लगा कादा रिश्ता रह गया जी, तो तेरा बाप दुनिया तो तुर गया सी, मैं तेनु कह दिता सी तेरा मेरा तल्लक खत्म हो गया, और जड़ा तल्लक वाला थी कब्रिस्तान पे चला गया, हूं तेरा मेरा कोई तल्लक नहीं, इस बात की लेना है। हजरत साहब कहंदे ने चाचा आप नहीं आया, किसे ने भेजिया है? आप नहीं आया, किसे ने भेजिया है? चाचा कहंदा है किन्ने भेजिया ही? अर्ज कर देने चाचा मैंने रसूले करीम ने भेजिया है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजिया है। इस वक्त साथ चाचे ने गल सुनी, पूछिया किस वास्ते भेजिया है? फरमाया ए वजह है, सरकार फरमाते ने तेरी बेटी का रिश्ता मेरे नाल कर दिता गया है। जो आसिम ने गल सुनी परेशान हो गए, परेशान हो गए कि अगर इनकार करा ते ईमान जांदे, हां करा ते बेटी नाराज होएगी, ना कोई शक्लो सूरत, ना कोई रुपया पैसा, ना कोई घर, किसे किस्म की कोई खूबी ऐसी है नहीं कि जिस खूबी की बिना ते मैं रिश्ता कर देगा। आखिरकार परेशान हो गया चाचा, परेशान हो गया, की कीता जावे? ऐसे परेशानी दे चाचा बोल के कहते इंज कर, जा तू सरकार की बारगाह ते जा, ते जा के अर्ज कर मैं आप ही आके गल करना, मैं आप ही आके गल करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त जिस वक्त हजरत साथ निकल लगे, एक धीमी जी नरम जी आवाज पर्दे ते पिछो आई, ते आवाज की है बाबा इनू ना जावन देवो, ए रिश्ता रसूले करीम ने भेजिया है, मैनू ए साथ कबूल है, कबूल है, कबूल, मैनू साथ कबूल है, मैनू रिश्ता कबूल है। जो ये गल की चाचा जड़ा मां उते बेटी दा वाले सिक्का लगा, बेटा वेख ते सही ना केड़ी शै वेखी, ना इहदी शक्लो सूरत, ना इहदी शक्लो सूरत, मौलाना हफीज जलंधरी ने नक्शा दो शेरा दे अंदर खिचिया, नक्शा खिचिया ते इना बाप ते बेटी दी गुफ्तगू नु कैच कीता। कहंदे की ने बाप? कहंदा बेटा इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी मांद गए, इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी मांद गए। बेटी बोल के दिए अब्बा फिक्र क्यों करने, इसको भेज ने वाला तो चौधरी का चांद गए, इसको तो भेजने वाला चौधरी का चांद गए। बाप कहता बेटा तेरा फैसला की है, तू कहना की चली है, वो इश्क मुस्तफा का मौजू सुनने वाले मेरे भाई, कैसा प्यार सिहाबा ने मेरे नबी नाल कीता है, सिहाबिया ने मेरे नबी नाल कीता है। ए लड़की बोल के कहती है, मेरे आका दी नुकरानी बोल के कहती है, बाबा मेरा फैसला सुनना चाहने ते सुन ले, के इसके काले रंग पर दिल मेरा मसरूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर गई।
हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम आप नू अल्लाह ताला ने वसीयत फरमाई, ऐ मेरे प्यारे करीम, अगर मेरी बारगाह दे अंदर ज्यादा मर्तबा हासिल करना होवे, ज्यादा शान हासिल करनी होवे, ज्यादा मजीद मकाम हासिल करना होवे, अर्ज की या अल्लाह मैं केड़ा अमल करा कि ज्यादा मर्तबा, ज्यादा मकाम, ज्यादा शान मिल जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोक के जिस वक्त रब की बारगाह दे अर्ज की, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपनी तफसीर के अंदर इस हदीस को नकल फरमाया, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, मेरे मूसा अगर मेरी बारगाह अंदर ज्यादा मकाम पाना चाहते हो फिर कसरत ना मेरे मोहम्मद ते दरूद पढ़िया करो। अल्लाह ताला अपने हबीब उत्ते कसरत नाल दरूद पढ़न की तौफीक अता फरमाए, साडियां झोलियां के अंदर अल्लाह ताला प्यारे हबीब की मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। हजरत मोहतरम जड़ी आयते करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है, बाद मुफसरीन ने लिखी है कि कुरान की ये आखिरी आयत सी, कुरान मजीद की ये आखिरी आयत सी, इस आयत तो बाद कुरान की कोई दूसरी आयत नहीं उतरी। और एक रवायत के अंदर है कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके उत्ते मेरे लजपाल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस उत्ते आयत करीमा नाजल हुई, तो जिस वक्त ये आयत करीमा नाजल हुई तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एदे मफहूम एदी हैबत और जलालत इस कदर ज्यादा सी कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खड़े सन तो तशरीफ लैके जमीन पर तशरीफ ले आए और सरकार ने अपना हाथ दीवार के नाल ला लिया, यानी इतना वजन सी, इतनी जलालत इस आयत के अंदर सी। और एक रवायत अंदर है कि हजूर ऊंटनी के अंदर सवार सन, नाल हजूर ने दीवार का सहारा ले लिया, हजूर ने दीवार का सहारा ले लिया। ये आयत करीमा का तर्जमा की है, अल्लाह फरमा रहा है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ए हबीब आज दे दिन दीन तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता गया है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुहाडे उत्ते अल्लाह ने अपनी खास नेमत नु मुकम्मल कीता है और तुहाडे वास्ते दीने इस्लाम नु अल्लाह ने पसंद फरमा लिया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, सोना तुहाडे उत्ते दीन नु मुकम्मल कीता है और अज के दिन ये दीन मुकम्मल कर दिता गया है, अल्लाह की नेमत तुहाडे ते पूरी कर दी गई है। और फिर फरमाया अल्लाह ताला ने तुहाडे वास्ते जेड़ा दीन पसंद किया है उन्हें इस्लाम कहते, केड़ा है इस्लाम, दीन अकुम इस्लाम। हजरत मोहतरम ये बहुत बड़ी खुशखबरी सी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी सी, कोई मामूली गल नहीं सी, क्यों जेड़ा दीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो चलिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो दीन चलिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दीन का प्रचार किया, ये दीन फिर चलना चलता हजरत शीशा अलैहिस्सलाम को लाया, उन्हें इस दीन नु इस दीन का प्रचार किया, अल्लाह का पैगाम तो हीद का पैगाम लोगों तक पहुँचाया, इतों तक कि पैगाम चलता चलता हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल इसे दीन की आबियारी फरमाई, हजरत मूसा करीम ने इसे दीन की आबियारी फरमाई। अल मुख्तसर 124,000 अंबिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आए इसे दीन नू इसे दीन की आबियारी करते रहे। अल्लाह ने किसे नबी वास्ते ये नहीं फरमाया कि ए मेरे आदम असा तुहाडे उत्ते दीन मुकम्मल कर दिता है, ए मेरे इब्राहिम तुहाडे उत्ते दीन मुकम्मल हो गया है, ए मेरे मूसा तुहाडे उत्ते दीन मुकम्मल हो गया है, नहीं। लेकिन जिस वक्त वारी आई मेरे ते तेरे लजपाल आका दी, अल्लाह ताला फरमाया सोना वो जिहड़ा दीन आदम अलैहिस्सलाम तो चलिया सी अज वो दीन तुहाडे ते मुकम्मल हो गया, दीन तुहाडे ते मुकम्मल कर दिता गया। जिस वक्त मेरे दोस्तों आए थे करीमा नाजल हुई, दुरुस्ती पढ़ लो, तो सिहाबा वास्ते ये बड़ी खुशी का मकाम सी कि यार असी वो खुश नसीब लोग हाँ, असी उस नबी की उम्मत हाँ कि जिस नबी की उम्मत को शरफ हासिल हो रहा है कि दीन जड़ा हजरत आदम तो चलिया तो हूं तक मुकम्मल नहीं होया, अज सानू ये शरफ अल्लाह ताला अता किया कि साढ़े तो दीन मुकम्मल हो गया। सिहाबा दे अंदर बड़ी खुशी का समा सी, लेकिन मेरे दोस्तों इन्हां सिहाबा विचों
इन्हां सहाबा विचों एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो एक ऐसी सहाबी सन, आप मस्जिद नबवी के किनारे ते लगे हुए ने, इंतजारों कतार रो रहे। पहले तो सहाबा नूं पता नहीं चलिया कि रो कौन रहा, क्योंकि बड़ी खुशी का आलम सी कि दीने इस्लाम साढ़े ते मुकम्मल होया, दीने इस्लाम साढ़े ते मुकम्मल होया, सहाबा वास्ते बड़ी खुशी का मकाम सी। लेकिन जिस वक्त सहाबा ने वेखिया कि अज ते खुशी के मौके पर कौन ने जड़ा रो रहा है, आखिरकार मेरे मुस्तफा करीम दे गुलाम सिहाबा कहंदे ने असी वेखिया कौन जड़ा अज दे दिन जारो कतार रो रहा है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत सानू अता की, दीने इस्लाम साढ़े ते मुकम्मल होया है, ते कौन जड़ा अज दे दिन भी रो रहा है। सिहाबा कहंदे ने सी हैरान की नाल इस वक्त रोवन वाले दे कोल पहुंचे, ते असी हैरान रह गए, ए रोन वाला कोई और नहीं है, मेरे आका दा यार अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक जारो कतार रो रे ले, सिहाबा कहंदे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक खैर है, अज ते खुश होवन दा टाइम है, ओ दिल के जिस दिन अंदर अल्लाह ताला ने अपनी नेमत अपने हबीब उत्ते दीने इस्लाम को मुकम्मल किया है, तुहानू खुश होना चाहिए है, लेकिन तुसी रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप दियां अखां तो आंसू ने लड़खड़ां दी जुबान दे नाल बोले, आप फरमांदे ने यारो दरअसल तुसी इस पार पे वेखदे हो, मैं उस पार प्या वेखना वा। सिहाबा कहंदे ने सानू समझ नहीं आई तुहाडे कहण दा मतलब की है, जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैनू लगदा है कि साडा गबीब साडे कोल जुदा होण वाला है, आका साडे कोल जुदा होण वाले ने। सिहाबा कहंदे ने तुसी किस तरह कह सकदे हो, आ फरमांदे ने इस वास्ते एक कानून कुदरत जड़ी चीज उरूज ते जाती है आखिरकार उन्हू जवाल भी आंदा है, सूरज सुबह निकलता है जो बिल्कुल आसमान से आबोताप न चमकदा है, एक बार आबोताप न चमको तो बाद आखिरकार उन्हू गुरूब होना पैंदा है, चन निकलता है बड़े आबोताप निकलता है, आखिरकार इनू भी गरूब होना पैदा है। इंसान बचपन तो लैके जवानी तक का सफर करता है, फिर जवानी तो लैके बड़ा पे तक फिर इनू भी गरूब होना पैदा है। एक कानून कुदरत जड़ा भी उरूज ते जांदा है एक दिन जवाल की तरफ भी आता है, मैनू लगता है जड़ा दीन जनाब आदम तो चलिया है मेरे ते तुहाडे आका ते मुकम्मल होया है, मैनू इंज प्या लगता है जिस तरह दीन मुकम्मल हो गया है, मैनू लगता है वे साडा कबीब साडे कोलो जुदा गोण वाला है, साडा गबीब साडे कोलो जुदा गोण वाला है। ओ मेरे दोस्त सारे कतार रो रहे ने, सिहाबा भी हो रो रहे ने, जो सिहाबा दा रोना मेरे आका नू पता चलिया, मेरी सरकार तशरीफ लैके आ गए, मेरी सरकार ने फरमाया सिहाबा रोंदे क्यों, सिहाबा ने अर्ज की आका हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस तरह एक खदशा जाहिर फरमाया है, सानू लगता है तुसी साडे कोलो जुदा गोण वाले हो, साडे नू जुदाइया पाण वाले हो, मेरे आका दियां अखां तो आंसू ने मेरे आका ने फरमाया हां सिहाबा अज तुहाडा हबीब रब दा कबीब तुहाडा नबी मैं अल्लाह दा रसूल अल करीम तुहाडे कोलो जुदा गोण वाला वा, तुहाडे कोलो दूर जाण वाला वा, रब दी बारगाह दे अंदर पेश होण वाला वा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्त मेरे आका ने जनाबे बिलाल नू फरमाया बिलाल
जा अजान पर मक्के दिया बाजारा ते मदीने दिया बाजारा ते ऐलान कर दिता जावे मदीने दिया बाजारा ते ऐलान कर दिता जावे के सारे जल्दी जल्दी मस्जिद अंदर जमा हो जाओ सारे इकट्ठे हो गए जो ही इकट्ठे हुए ना मेरे लजपात करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिहाबा ने फरमाया सिहाबा आज मैं एक ऐलान करने आवा सिहाबा अर्ज की केड़ा ऐलान है मेरे आका ने फरमाया सिहाबा मैं रब दी बारगाह ते जान वाला वा मुहम्मद नहीं चाहता किसे दा हक खावे किसे दा ज्यादती होई होवे ते मैं ओदी ज्यादती दा बदला ना दे सका इस वास्ते जिन्ने किसास लेना है ले सकदा है लियाओ को दुनिया ते ऐसा हुकुमरान कोई ऐसा हुकुमरान हो जेड़ा ऐलान करे हाँ भाई केड़ा जेड़ा बदला ले सकता है ये सिर्फ कायनात के अंदर एक ही हुकुमरान सी एक ही वो हस्ती सी जिन्होंने बरमला मिंबर ते ऐलान किया आओ भाई केड़ा है जेड़ा किसास लेन वाला है केड़ा है किसास लेन वाला अल्लाह अकबर कबीरा सिहाबा कहते ने सरकार ने एक बरा नहीं तीन दफा जिस वक्त हुजूर ने ऐलान किया कि सिहाबी आए उन्होंने अर्ज की आका मैं कुछ जौ लेने से हुजूर ने कुछ जौ दिते किसी सिहाबी ने कुछ किसी शहर का मुतालबा किया हुजूर ने हर किसी को वह हक दे रहे जिस वक्त हुजूर ने तीसरा ऐलान किया ना तो सिहाबा के अंदर सख्ता तारी हो गया आखिरकार किस वक्त हुजूर का तीसरा ऐलान होया तो एक सिहाबी खड़े हो गए इन्हों का ना हजरत उकाशा है हजरत उकाशा रजी अल्लाह तआला अन्हो खड़े हो गए तो हाथ बन के अर्ज करते ने सोना तुसा तीन दफा ऐलान फरमाया है मैं खड़ा नहीं सी होना लेकिन तुसी बार बार इसरार फरमा रहे हो हुजूर मैं भी तुहाडे को बदला लैना आए आका मैं भी तुहाडे को बदला लैना मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकाशा आ जा कड़ा बदला लैना ही हाय हाय उकाशा कहते हैं यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग ते जा रहे सा असी भी तुहाडे हम सफर सा तुसी साडे नाल सो ते तुहाडे हाथ में छड़ी सी मैं लैदा सवारी ते सा तुसी लैदा सवारी ते सो ते तुसी छड़ी मारी है मैनू नहीं पता कि छड़ी तुसा सवारी नू मारी है या मैनू मारी है लेकिन छड़ी मेरी पिंडली ते आके लगी एक रवायत है कि मेरी पुश्त ते वो छड़ी लगी है ते मैं वो छड़ी का बदला लेना चाहना अल्लाह अकबर मैं वो छड़ी का बदला लेना चाहना आए सियाबा दी चीखा निकल गई सियाबा क्या उकाशा यार तू की पै करना हुजूर फरमाया खबरदार खबरदार उकाशा जो कह रहे है इहदी गल मुकम्मल सुनो अर्ज कर दिने आका मैं कुछ और नहीं मैं तुसा बार बार जिस वक्त इरशाद फरमाया तो मैं वो अगर मैनू बदला मिल जाए तो हुजूर ने फरमाया बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल बदला मिलेगा तो हुजूर ने फरमाया की सी छड़ी जी अपना हुजूर ने फरमाया कि मैं उकाशा मैं अल्लाह नू गवाह बना के कहना मैं तेनू जानबूझ के नहीं सी मारी वो छड़ी तेनू मैं जानबूझ के नहीं सी मारी लेकिन मैं उहदा बदला देने नू मुहम्मद तैयार है मैं बिल्कुल तैयार हाँ आपने फरमाया सलमान जी नबियां दे सुल्तान मेरे करीम ते लजपाला का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमान जा मेरे मेरी प्यारी बेटी फातिमा दे घर चला जा ओ छड़ी मेरी बेटी दे घर मौजूद है जा के छड़ी ले के आ उसे छड़ी दे नाल मुहम्मद की सास दवेगा उसे छड़ी दे नाल मैं बदला दांगा उसे छड़ी नू ले के आओ और जनाबे सलमान रोते जा रहे ने मदीने दिया गलियां ते रोंदे जा रहे ने ए कौन सलमान है ए 250 साल 250 साल इदी उम्र मेरे आका दा नौकर आका दे नाम तो चार बना भी करवा ला सारी जिंदगी हुजूर दी गुलामी दे अंदर गुजार देन वाला ए मेरे आका दा गुलाम सलमान रोता जा रहा है रोता जा रहा है ते मियां साहब के मेरे कच्चा रंग ललारी वाला
ए चढ़दा ओ लैंदा एने पर इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद ए चढ़िया भूल नहीं ले हजरत सलमान फारसी रोते जा रहे ले आखिरकार सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत खातून जन्नत दे पाक दवारे दे सामने पहुंचे हाथ बन के खड़े ने आवाज आई मंदक कलबाब कौन दरवाजे ते दस्तक देने वाला अर्ज की थी तुहाडा नौकर तुहाडा खादम बेटा मैं सलमान फारसी हूं अंदरों आवाज आई चाचा जी खैर किस वास्ते आए हो आपने फरमाया चीखा निकल गई रो के फरमाने ने एक कदा गुलाम उन्हें हुजूर को ले बदला लेना है और छड़ी तुहाडे घर दे अंदर मौजूद है हुजूर ने फरमाया वो छड़ी लेके आओ ताके उकाशा बदला ले सके उकाशा बदला ले सके अल्लाह अकबर कबीरा किस वक्त सैयदा खतून ने जन्नत ने सुनिया आप रो पईया आप रो के अर्ज कर दिए ने चाचा मेरे अब्बा जी ते बीमार ने जिस्म दे अंदर नकाहत ते कमजोरी बहुत ज्यादा है ए बदला जरूर अज लेना है आपने फरमाया हुजूर दा हुक्म है अज ही मुहम्मद बदला देवेगा आज ही बदला देवेगा आज ही बदला देवेगा अल्लाह अकबर कबीरा हजरत ने खातून ने जन्नत ने छड़ी दिती ते नाल दोनों शहजादे हसनैन करीमैन सुते हो ले आप जल्दी जल्दी शहजादियां दे कोल गईया मत्था चुमया सीने लाया ते फरमादियां ने मेरे ये बच्चियों जाओ चले जाओ हुजूर दी बारगाह दे अंदर एक सिहाबी हुजूर को ले बदला लेना चाह रहे ले ते मेरे बच्चियों एक नहीं हजारा कोड़े खा ले आजे लेकिन नाने दे जिस्म ते कोड़ा ना लगन दे आजे नाने दे हिस्से दा नाने दे हिस्से दे कोड़े खुद खा ले आजे लेकिन नाने दे जिस्म ते आज ना दे आजे एक तो दोनों शहजादे दौड़े अय हाय दोनों शहजादे दौड़े उतलो सलमान फारसी दौड़ते जा रहे ने सिहाबा दे अंदर एक अजीब कैफियत है सारे सिहाबा रो रहे ने आखिरकार जिस वक्त छड़ी हुजूर कोल पहुंची मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी हाथ में फड़ी मैं उकाशा किथे गया है उकाशा करीब आया मेरे अकरफ में फड़ छड़ी बदला ले ले हाय हाय बदला ले ले उकाशा निकले लगे ना उकाशा निकले लगे तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने कहते यार उकाशा मेरे को बदला ले लै हजूर देश यार अबू बकर सिद्दीक कह लगे यार मेरे को बदला ले लै हजरत साद बिन अबी वकास के अंदर यार मेरे को बदला ले लै लेकिन हजूर दे जिस्म दे अंदर नकाहत बहुत ज्यादा है कमजोरी है बुखार दा आलम है इस वास्ते यार इंज कर हजूर को बदला ना लै हजूर को बदला ना लै लेकिन उकाशा कहना ना ना मैं हजूर को बदला लेना अल्लाह अकबर उकाशा कहना नहीं नहीं मैं किसास हुजूर को ले लेना है हुजूर को ले किसास लेना है अल्लाह अकबर कबीरा इतने मेरे दोस्त जिस वक्त मेरे करीम नबी दे करीब उकाशा पहुंचिया मेरी सरकारी मदीना ने फरमाया उकाशा फड़ ले छड़ी पकड़ ले छड़ी बदला ले ले उकाशा रो के अर्ज करता या का अगर माफी मिले आका जिदो मैनू छड़ी लगी सी मेरे जिस्म ते लिबास कोई नहीं सी मेरी पुश्त ते कपड़े कोई नहीं सन मैं चलना वा जिस तरह मेरा जिस्म सी ऐसे तरह तुहाडी पुश्त भी नजर आती होवे
ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੁਬਾਰਕ ਉਤਾਰੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨੈਨ ਕਰੀਮੈਨ ਉਕਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਕਾਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖੂਨ ਆਕਾ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 100-100 ਕੋੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, 100-100 ਕੋੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਉਕਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਜੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਕਾਸ਼ਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਆਕਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਕਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰੇ ਨਬੂਵਤ ਚੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਆਬਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਤੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਕਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਆਬਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਿਰਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਆਬਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਆਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖੀ ਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਉਲ ਅਸਵਦ, ਅਸਵਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਹੱਸਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਤਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਤਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਖੈਰ ਹੈ, ਰੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਕਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੁਖੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਖੀਆ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰਾਂ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਲਜਪਾਲ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਏ? ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਏ? ਸਾਧ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗਰੀਬ ਸਿਹਾਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾ ਕਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਸਤਬੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਧ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ? ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਕਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਨਾ ਬਾਪ ਜੂਦਾ ਏ, ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ। ਫਰਮਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਏ ਵੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ,
मेरी शक्ल सूरत भी सोहनी नहीं, आका ऐ वजह दे कि मेरी शादी हुण तक नहीं हुई। मेरे रजपाल तकरीम आका ने फरमाया कि दस तेरे को रिश्तेदारा में, तेरे को रिश्तेदारा में कोई तेरा रिश्ता मिल सकता है? अर्ज कर देने आका हाँ, मेरे मेरी चाचा जात दे ते बचपन के अंदर जो मेरा बाप चुंदा सी ते साड़ी गलबात हो गई सी, साड़ी गलबात यानी शादी की गल हो गई सी कि चलो इन्हों की शादी इकट्ठे यानी एक दूसरे ना शादी हो जाएगी। लेकिन जू ही मेरा बाप फोत होया तो मेरे चाचे ने मेरे न सारे तलक तोड़ लेने। हजूर फरमाया तेरा चाचा कड़ा है? हजूर हजरत आसिम तुहाडे गुलाम ने, अपना तुहाडे सियाबी ने। हजूर ने फरमाया जा फिर अपने चाचे को जाके चाचे नूं कह कि तेरी बेटी का रिश्ता मुस्तफा ने तेरे नाल कर दिता है, तेरी बेटी का रिश्ता मुस्तफा ने तेरे नाल कर दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप जिस वक्त दौड़ दे गए, बड़े खुश ने, चाचे दे द्वारे ते पहुंचे ते दस्तक दिती। चाचा बोल के कहंदा कौन है? अर्ज की चाचा मैं तेरा भतीजा आया वा, तेरा भतीजा आया वा। चाचे ने दरवाजा खोलिया, कह लगा कादा रिश्ता रह गया जो तेरा बाप दुनिया तो तुर गया सी, मैं तेनू कह दिता सी तेरा मेरा तलक खत्म हो गया, और जड़ा तलक वाला सी कब्रस्तान पे चला गया, हूं तेरा मेरा कोई तलक नहीं, इस बात की लेना है। हजरत साहब कहते ने चाचा आप नहीं आया, किसे ने भेजिया है? आप नहीं आया, किसे ने भेजिया है? चाचा कहता है किन्ने भेजिया? अर्ज कर देने चाचा मैंने रसूले करीम ने भेजिया है, रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजिया है। इस वक्त साहब चाचे ने गल सुनी, पूछिया किस वास्ते भेजिया है? फरमाया ए वजह है, सरकार फरमाते ने तेरी बेटी का रिश्ता मेरे नाल कर दिता गया है। जो आसिम ने गल सुनी परेशान हो गए कि अगर इनकार करा तो ईमान जाते, हां करा ते बेटी नाराज होएगी, ना कोई शक्लो सूरत, ना कोई रुपया पैसा, ना कोई घर, किसी किस्म की कोई खूबी ऐसी है नहीं कि जिस खूबी की बिना ते मैं ये रिश्ता कर देगा। आखिरकार परेशान हो गया चाचा, परेशान हो गया की किता जावे। ऐसे परेशानी दे चाचा बोल के कहते इंज कर, जा तू सरकार की बारगाह ते जा, जाके अर्ज कर मैं आप भी आके गल करना, मैं आप भी आके गल करांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वक्त जिस वक्त हजरत साथ निकल लगे, एक धीमी जी नरम जी आवाज पर्दे ते पिछो आई, ते आवाज की है बाबा इनू ना जावन देवो, ए रिश्ता रसूले करीम ने भेजिया है, मैनू ए साथ कबूल है, कबूल है, कबूल, मैनू साथ कबूल है, मैनू रिश्ता कबूल है। जो ये गल की चाचा जड़ा मां उते बेटी दा वाले सिक्का लगा, बेटा वेख ते सही ना केड़ी शह वेखी, आ ना इहदी शक्लो सूरत, ना इहदी शक्लो सूरत, मौलाना हफीज जलंधरी ने नक्शा दो शेरा दे अंदर खिचिया, नक्शा खिचिया ते इना बाप ते बेटी दी गुफ्तगू नु कैच कीता, ते कहंदे की ने बाप कहंदा बेटा इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी मांद गए, इसका तो है रंग काला, हुस्न में भी मांद गए। बेटी बोल के दिए अब्बा फिक्र क्यों करने, इसको भेजने वाला तो चौधरी का चांद गए, इसको तो भेजने वाला
चौदवी का बाप कहता बेटा तेरा फैसला की है तू कहने की चलिए वो इश्क मुस्तफा दा मौजू सुनने वाले मेरे भाई कैसा प्यार सिहाबा ने मेरे नबी नाल कीता है सिहाबिया ने मेरे नबी नाल कीता है ए लड़की बोल के कहती है मेरे आका दी नुकरानी बोल के कहती है बाबा मेरा फैसला सुनना चाहने ते सुन ले के इसके काले रंग पर दिल मेरा मसरूर है काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर कह लगी जो हुजूर ने फरमा दिता है मैं आका दी रजा ते राजी हाँ मैं हुजूर दी रजा ते राजी हाँ अल्लाह अकबर कबीरा बाप कहता बेटा बस कह लगी बाबा एक छोटी गल ले कल जो सहेलियां विच मांगी सहेलियां विच मांगी सहेलियां नाल जो औरतां मिलदियां ने ते गल्लां फिर अपने रिश्तेदारां दी होंदियां कह लगी जिस वक्त सहेलियां विच मांगी कोई कहेगी तेरा रिश्ता किन्ने कीता है बोलनगियां सारियां तबसरे करनगियां कोई कहेगी मेरे चाचे ने कीता है कोई कहेगी दादे ने कीता है कोई कहेगी मेरे जनाब मामे ने कीता है मैं वो खुश नसीब हाँ जी खड़ी होके कहांगी नहीं चुप करो मैं ओ अल्लाह दी अल्लाह ने मनु ओ शर्फ अता कीता है कि मेरा रिश्ता किसी और ने नहीं नबिया दे इमाम ने तय कीता है मेरा रिश्ता नबिया दे इमाम ने तय कीता है ते अर्ज की बाबा सरकार दी खिदमत जरूर जाओ लेकिन मेरी सिफारिश करनी है कि हुजूर जर्रा नवाजी फरमानी है तो इस काबिल समझिया मनु लेकिन दूसरा कर्म एक और करना जे कि हुजूर मेरा निकाह तुसा खुद पढ़ाना है मेरा निकाह तुसा खुद पढ़ाना है और मेरी बरात नू रसीव भी तुसा करना है और करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साध नू बुलाया फरमाया भाई साध अगले हफ्ते अगले अगले फलां फलां दिन तेरी शादी होएगी आखिरकार तैयारियां शुरू हो गई जी तैयारियां शुरू हो गई और जिस वक्त क्योंकि हुजूर ने वादा किया सी बेटी के नाल हैं हुजूर पहले चले गए हुजूर पहले चले गए तो जान तो पहले मेरे लजपाल ते करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साध नू बुलाया तो साध दे मुँह मुबारक थे इस तरह हुजूर ने अपना यदुल्ला वाला हाथ फेरिया हाय हाय यदुल्ला वाला हाथ फेरिया तो साध का मुँह चंद की तरह रोशन हो गया हजरत साध रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दा चेहरा चांद की तरह रोशन हो गया तो महल के छोटे छोटे बच्चों की साढ़े पिंड अज भी है वे कि बच्चे जिस घर शादी हो बच्चे वो पहले तुर जाते हैं बच्चे पहले चले जाते हैं बच्चे दौड़ते दौड़ते दुल्हन को तुर के कह लगे तेनों पता तेरा खावत किस तरह का कह लगी बोधियां गल्ला ना करो मैं पता है रंग तो कला है होंठ मोटे मोटे ने तो तुम इस गल छो कह लगे नहीं तेरा दुल्हा अजदा नहीं बल्कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फेरिया तेरा हुसन कट है ओदा हुसन चंद थोड़ी ज्यादा है तेरा हुसन कट है ओदा हुसन तेरे तो कई गुना ज्यादा है अल्लाह अकबर कबीरा मेरे मुसलमान भाइयो ए बरात आई कैसी बरात है जिस बरात का मेजबान कबूल करने वाला इमामुल अंबिया है नबियां दा ताजदार हबीबे परवरदिगार मेरे मुस्तफा करीम दे गुलामो निकाह हो गया मेरे आका ने निकाह पढ़ाया और पहली रात दूल्हा ते दुल्हन बैठे हुए ने मेरे दोस्त दुल्हन कहती है मैं शरफ वाली हाँ मैं ज्यादा शरफ वाली हाँ दूल्हा कहता मैं ज्यादा शरफ वाला वहां मैं ज्यादा शरफ वाली हाँ मैं ज्यादा शरफ वाला वा कहती है मैं बहुत ही खुश नसीब हाँ मैं बहुत खुश नसीब हाँ आखिरकार दूल्हा बोलिया कह लगा कल ले वे तू भी खुश नसीब है मैं भी खुश नसीब हाँ इंज ना करिए पहले अल्लाह की बारगाह ते शुक्र अदा अल्लाह दी बारगाह ते शुक्र अदा कर लिए दोनों मियां बीवी ने मुसल्ले पा ले मुसल्ले पा के
रब दा शुक्र पे अदा कर दे ले, अल्लाह दिया रब दा पे मग दे ले। अल्लाह अकबर कबीरा, किस्मत का नवाफिल पढ़ के, कुरान पढ़ के, इमामुल अंबिया ते दरूद पढ़ के दोबारा चार पाई ते बैठे ना, मोहब्बत पर ये गुफ्तगू हो रही है। ओ नौजवाना, ए पैगाम है तेरे वास्ते, ए मेरे दोस्त मेरे भाई वजदान साउंड वाले, ए मूवी बना रहे ने पूरी दुनिया ते जावेगी। मैं हर नौजवान नु ए पैगाम ए सहाबी दा देना चाह रहा, अपनी बेटी नु मां नु पैगाम देना चाह रहा कि मोहब्बत करनी है ते इंज मोहब्बत करो जिस तरह मेरे आका दिया यारा ने हुजूर नाल प्यार कीते, जिस तरह सहाबियात ने हुजूर नाल प्यार कीते। अल्लाह अकबर कबीरा, जिस वक्त मियां बीवी बैठ गए, मोहब्बत पर ही गुफ्तगू जारी है, बारो ऐलान हो गया, ओ लोगो फला जगह ते काफरा ने मुसलमाना ते हमला कर दिता है, मुसलमाना ते हमला कर दिता है। हुजूर ने फरमाया अर्रहील अर्रहील, आओ अल्लाह दे दीन दी मदद वास्ते सारे फला जगह इकट्ठे हो जाओ, जंग वास्ते जल्दी पहुंचना क्योंकि मुसलमान परेशान ने। आए हाय, ऐसे हाबी सन जेड़े मुसलमाना दा दर्द सुन के चले गए, अज मेरी तेरी अखां दे सामने फलस्तीन दे बच्चियां दिया बोटियां हो गईयां, बच्चियां दे टुकड़े हो गए, ओ मामा दे टुकड़े हो गए, ओ मेरे बेलिया ठावल इस्लामी मुल्क होम दे बावजूद हर किस्म की टेक्नोलॉजी हर किस्म की आसाइशां होम दे बावजूद अज वेख ते सही ना मुसलमाना दे खून दे सौदे कीते जा रहे नहीं। ओ बेलिया, अज तेरे भी इमाम दे इम्तिहान है, तेरे भी इमाम दे इम्तिहान है, अज जो कुछ दुनिया ते हो रहे है काश ए देखो तो पहले अल्लाह मैनू मौत दे देंदा। ओ खुदा दी इज्जत की कसम है, जो अज बिल्कुल जिस तरह करबला वालिया नाल होया इसे तरह फलस्तीन वालिया नाल हो रहा है। वो 25 लाख की आबादी जिदा पानी भी बन दे बिजली भी बन दे ना डॉक्टर मौजूद ने ना हस्पताल महफूज ने ना मस्जिद महफूज ने, ओ लब लब के तेरे बच्चियां नु ज़िबा कर ले ले, ओ तेरियां बच्चियां दी इज्जत बमाल कर ले ले, ओ उन्हां दे घरां दे अंदर घुस रे ले, ओ किथे चली गई तेरी मुसलमान। ताई रोया इकबाल, इकबाल कहंदे यू तो सैयद हो दिरजाग हो अफगान भी हो, अरे तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो। जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, और तेरे नाल तो फिर मेरे नाल तो फिर सिहाबा की जिंदगी देखना कैसी शानदार जिंदगी है। साथ अपनी दुल्हन के बिस्तर पे बैठा है, दुल्हन करीब बैठी है, शादी थी पहली रात एक तो ऐलान होया, साथ थोड़ी बिस्तर तो थल्ले उतरिया, तलवार पकड़ी जीरा पहनी इमामा सिर ते पाया चलने लगाना, दुल्हन कदमा ते डिग पई, दुल्हन कदमा ते डिग पई है कहंदी मेरे सरताज किते किते जा रहे हो। फरमाया तेन तू जाननी है काफर फला जगह ते मुसलमाना ते हमला भरने ते मैं जा रहा इस्लाम दी खातर, बेशक तेरी मुहब्बत दे सैकड़ा चराग मेरे दिल अंदर रोशन ने, लेकिन ये सारी मुहब्बत तू मैं हुजूर दी एक अदात दे कुर्बान करन नु तैयार। आज मेरे तेरे को धन्यवाद पढ़न दा टाइम नहीं, ते दावा है मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है,
रोजाना ताड़ी नू नालियां ते रोरल वाले मेरे बेलिया ओ तेनू मौत ते कबूल हो गई हुजूर दी ताड़ी कबूल क्यों ना होई ओ तेनू मौत ते कबूल हो गई लेकिन हुजूर दी अखा दी ठंडक नमाज क्यों कबूल ना होई ओ तेनू मौत ते कबूल हो गई ओ मेरे बेलिया ओ मस्जिद ते करीब फौजान दी आवाज सुन के गुजर जान वाले तेनू हर शै कबूल है दस हुजूर दा कुरान कबूल क्यों नहीं हुजूर दा फरमान कबूल क्यों नहीं हुजूर दी उस्वा हसना कबूल क्यों नहीं और लखा करोड़ा जवानियां हुजूर दी सवारी जिस जगह ते लगी है उस सवारी ते कदमा दी लगी धूल तो कुर्बान कर दे तू गुलामी दा हक नहीं दे सकदा मेरे बेलिया अल्लाह अकबर कबीरा कह लगा मेरी दुल्हन मैनू सब कुछ कबूल है लेकिन हुजूर दे दीन उत्ते आ जावे एक बस मेरे नबी मुनु बुलावे मैं हर शै नू पिछे रख सकना वा हुजूर दे फरमान नू पसे पुछते नहीं रख सकता मेरे वास्ते हुजूर दे फरमान तो उत्ते कोई शै नहीं आखिरकार इस वक्त निकले लगे ते दुल्हन कह लगी गल तो सुन जाओ ना आए औरत नहीं कमजोर जात है कमजोर जात है लेकिन कह लगी मैं रोई भी नहीं इतना मैं रोना है मैं नहीं रोवांगी बस एक मेरी दरख्वास्त सुन लो ना कह लगी जल्दी कर की कहना चाहनी है की कहना चाहनी है कह लगी इंजे इंज करो के मुंह ते नकाब कर जाओ मुंह ते नकाब कर जाओ तुहाडी शादी अज दी रात हुई है ते जिस जाओगे तो हो सकता है हुजूर दी नज़र पै जाए तुहाडे ते या किसी सियाबी दी नज़र पै जाए तो हुजूर कहन के तेरी ते कल शादी हुई है पहली रात सी तेरी ते जा तू वापस चला जा इस वास्ते मुँह ते नकाब कर लो ताकि तुहानू को पहचाने ना आए यार कैसा ईमान अज बिल्कुल ना इंज दा नक्शा हमास दी एक खातून दा मैं वेख्या कि वो की है कि उहदा बेटा जड़ा ना वो काफरां दे नाल कुछ फेसबुक तो कोई गल पै करदा है उन्हां नूं ललकारदा पिया तो माँ कहती है नकाब क्यों पाया है नकाब ला असीं को डरने हैं किसी को माँ ने हाथा ना फड़ के उहदा नकाब लाया कह लगी मैं भी हाजिर हाँ मेरे सारे सब कुछ हुजूर दे दीन वास्ते हाजिर है अज भी वो मामा मौजूद ने जिन्हां ने दरूद दे के बच्चों नूं दुध पिलाए ने जिहड़े दरूद दे के दुध पिलाए होण मुस्तफा की मुहब्बत गुट्टी विच पाई है पुत्र मुहम्मद बिन कासम जैसे पैदा होंदे ने सलाहुद्दीन अयूबी जैसे पैदा होंगे आखिरकार इस वक्त कह लगे मुँह ते नकाब कर लो मुँह ते नकाब कर लो मुँह ते नकाब किया तो तुर गए मैदान जंग ते किसी नूं नहीं पता चलिया कि साध है लड़ते रहे कहिंदे ने अठां काफरां नूं वास ले जहन्नम किया हज़रत साध ने अठां काफरां नूं मारन तो बाद आखिरकार होया कि जिस वक्त अचानक आप नूं तलवार लगी तो जमीन ते डिग पे तो अल्लाह ने मुसलमानों नूं फतह दित्ती ते सारे जिहड़े सहाबा शहीद होए सन सब दे लाशे लैन दे ते सहाबा ने हजूर की बारगाह दर्ज की आका एक मुसाफिर है रस्ते ते जाना जाता मुँह ते नकाब है ते उदी लाश भी उत्थे पई है ते हजूर लै आईए आए हाए हालांकि जालमन ते जंग दे कानून ही भुल गए ने ना जंग दा कानून है बच्चियां ते मुसाफरां ते औरतां ते ओ जंग लागू नहीं होंदी लेकिन अज ते इन्हां जालमान क्योंकि वह निहत्ते ने ते कमज़ोर ने ये उन्हां मुजाहदां दे सामने तो लड़ नहीं ना सकते वो फिर बच्चों नूं मार दें बच्चों नूं मार दें और ये तारीख है दुनिया की तारीख अंदर इतने बच्चे अज तक नहीं किसी जंग के अंदर शहीद होए जिन्हें बच्चे ये हुण शहीद होए ने ते साडे हुकमरान तमाशाई बने आखिरकार जिस वक्त मेरे दोस्तों हजरत साध गए आपने अठां काफरां नूं वास्ते जहन्नम किया सहाबा कहिंदे ने कि जिस वक्त ये पे सन एक पास असा इन्हों के लाशे ने नहीं उठाया मेरी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सुनया ना सहाबा को फरमाया सहाबा वो कोई मुसाफिर नहीं वो मेरा साध है वो मेरा साध है जाओ उन्होंने लैके आओ हजरत साद रजी अल्लाह तआला उन्होंने चेहरे के नकाब है तो शहीद हो गए ने हजूर ने फरमाया मैं अब यदा जनाजा खुद पढ़ावगा हजूर जनाजा पढ़ा रहे तो हजूर कदम जड़े ने ना पैर पब्बा भर जिन्होंने कहते हैं पब्बा भर चल रहे हैं तो सहाबा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर है फरमाया मेरे इस आशक इस गुलाम के जनाजे अंदर
अल्लाह ने फरिश्ते इतने ज्यादा भेजे ने कि मैं मुहम्मद नू पैर रखने की जगह नहीं पी लभदी, पैर रखने की जगह नहीं। ए वे असल गुलामी रसूल, ए वे असल मुहब्बत मुस्तफा, ए वे असल इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते कोशिश करो, और कुछ नहीं यार, और कुछ नहीं, कम अज कम हजूर की नमाज तो पढ़िए ना। क्या दुआ आमीन सारे पढ़ोगे अज तो बाद कड़ा बंदा वादा करता इंशाल्लाह अज तो बाद नमाज नहीं छड़नी। करो हाँ वादा, अज चुको हाँ मुड़ो इंशाल्लाह अज तो बाद नमाज, अज तो बाद हजूर का कुरान भी, हजूर का कुरान भी जरूर पढ़ना है, नमाज भी जरूर पढ़नी है, हजूर का कुरान भी जरूर पढ़ना है। और कम अज कम एक दिन से बहुता नहीं तो कम अज कम एक सौ मरतबा तो हजूर से दरूद पढ़, कम अज कम एक सौ मरतबा जरूर दरूद पढ़ो। अगर पढ़ते रहो तो दरूद की क्या ही बात है। इस वास्ते दोस्ता अमल से जिंदगी बनती है जन्नत में जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। ओ कौसर दा पानी ए, कौसर दा पानी ए, ओ जिंदला ते मती भी ते नावे, ओ यारा ओ जुबी ते जानी ए। क्या लो सारे, ओ जिंदला ते मती नी ते नावे, ओ जो भी ते जानी ते बावल मुबा, ते बावल मुबाया एक सोना तू लगन है, तुझा फेर भी तू माया। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए, सुब्हान अल्लाह।